हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले IDBI बैंक शेयर के बारे में। हमें हमारे सब्सक्राइबर ने जो तो रिक्वेस्ट किया था इस शेयर के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम इसके वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं, पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कर लेते हैं। बढ़िया बैंक है, बहुत बड़ी अच्छी खासी बैंक है। 53,977 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो बड़ी बैंक है, छोटी सी नहीं है। स्टॉक पी 22 का है, इंडस्ट्री स्टॉक पी 16 का है। इंडस्ट्री स्टॉक पी से इसका स्टॉक पी आगे बढ़ चुका है, तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। 35 की बुक वैल्यू है, 15 की इसकी करंट प्राइस, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी थोड़ी सी प्राइस जो वो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन बैंक के अगर हम ROCE को चेक करें तो ROCE 4.45 का है और ROE जो है वो 4.18 का है। तो अच्छा खासा ROCE यहाँ पे बैंक के हिसाब से जो हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ इन पे जो कर्जा भी है, लेकिन ये एक बैंक है तो बैंक का काम होता है कर्जा लेना कर्जा देना, उसकी वजह से जो है हम इस पे डेप्ट को कंसिडर नहीं करते। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो इनका 6.55 का है, लेकिन इन पे जो बैंक में हम ये हिसाब नहीं पकड़ते। इसके साथ अगर बात करें इनके जो बिजनेस की, तो मोर देन 2000 ब्रांचेस इनकी इंडिया में, तो बहुत बड़ी बैंक है। 2000 से ज्यादा इनके जो ब्रांचेस है, इसी के साथ 3700 से ज्यादा इनके जो ATM से इंडिया में अभी एक्टिव है। तो ये एक बड़ी बात है, अच्छी बात है, इनके जो बिजनेस है अच्छा खासा फैला हुआ है। अगर बात करें तो अपने मार्केट कैप के हिसाब से ये 6 नंबर पर रैंक करती है। टॉप 10 बैंक्स में ये आती है मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया में। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा, दिसंबर का प्रॉफिट जो है Q3 का वो 612 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार इन्होंने बनाए, उससे पहले 589 करोड़, 598 करोड़, 629 करोड़। तो यहाँ पे जो 600 का आंकड़ा दो बार इन्होंने क्रॉस किया था, ये सेकंड टाइम है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ रेवेन्यू की बात करें तो 4613 का इनका रेवेन्यू है, जो कि बहुत बढ़िया रेवेन्यू है, ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू है। अगर हम बात करें तो पिछले बहुत मार्च से चेक करें, मार्च 2020 से, तो अब तक इन्होंने जो लॉस नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट करने की कोशिश में लगी हुई है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिल रही है, कंपनी जो है प्रॉफिट बनाती हुई दिख रही है। सालाना प्रॉफिट TTM का चेक करो तो 2428 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है, एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पे 2000 का आंकड़ा कंपनी पार कर दिया। उससे पहले भी हमें प्रॉफिट देखने को मिलना था, मार्च में भी 2021 में जो था 1514 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अगर पास चेक करें तो 12,000 करोड़ का लॉस, 14,000 लॉस, 8,000 लॉस, 5,000 लॉस, तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत लॉस किया है। अभी जो है सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है, प्रॉफिट जो है कंपनी बनाती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ना कि सिर्फ प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतना प्रॉफिट जो है पिछले 10 सालों में कंपनी ने नहीं बनाया, 2428 करोड़ का। इसका पहला हाई था 2002, अभी जो है उसको ब्रेक करते हुए 2400 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो इतना नहीं बढ़ा है, रेवेन्यू के मामले में कंपनी अभी भी थोड़ी सी पीछे है। 19,000 का इनका रेवेन्यू अभी चल रहा है, इससे पहले 27,000 का भी रेवेन्यू इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, फिर भी कंपनी प्रॉफिट जो है वो बना रही है। अगर बात करें इनके जो रेशियोज की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 साल पहले था 0, 5 ईयर्स पहले 19 हुआ, फिर 3 ईयर्स पहले 13 और लास्ट ईयर TTM का चेक तो 132 ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर्स में जो है बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR चेक करें तो -7 था 10 साल पहले, -9 हुआ, बढ़ चुका था यहाँ पे 5 साल पहले, फिर जो 3 साल था लास्ट 3 इयर्स का जो था 5 हुआ, और 1 ईयर का चेक करो तो 68, तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिले है। इसी के साथ अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, -14 था 10 साल पहले, फिर 26 हुआ, 5 लास्ट 5 इयर्स का 26 था माइनस में, और लास्ट 3 इयर्स का भी 26 था माइनस में ही, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर का चेक करें तो वो 4 होता हुआ दिख चुका है, तो यहाँ पे ग्रोथ होती दिख रही है। लास्ट ईयर में बहुत ही इन्होंने जो जबरदस्त रिजल्ट दिए। अगर बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के, तो यहाँ पे हमें कुछ भी बदल नहीं देखने को मिला है। अगर बात करें 10 साल पहले 1 था, अभी जो है वो -1 है, तो यहाँ पे जो था उतना ही बचा, ज्यादा फर्क इसमें जो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसे अगर एसेट्स की बात करें तो 2,298,000 की इनके एसेट्स है, जो कि बहुत बढ़िया एसेट्स है, एसेट भी अच्छे खासे 4,800 का इनके पास कैश फ्लो भी अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छी बात है। प्रोमोटर्स के पास जो है अच्छे खासे शेयर है, 94% शेयर प्रोमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 4% शेयर है, 4.89% शेयर पब्लिक के पास है, तो सबसे कम शेयर से जो यहाँ पे DIs और FIs के पास है, FIs के पास 0.02% है और DIs के पास 0.38%, तो FI DIs भी इसमें इंटरेस्टेड है, इनके पास ज्यादा शेयर्स नहीं है, पर फिर भी जो है उनका थोड़ा सा स्टेक इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर जो प्रमोटर्स के पास है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन प्रमोटर्स चेक करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% शेयर और
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है वो 49% शेयर है, 45 और 49 का इनका जो है स्टेक है। तो ये एक गवर्नमेंट बैंक हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसके शेयर जो है वो प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये हो गई प्रमोटर्स की बात, तो प्रमोटर्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसके बाद सबसे ज्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है तो ये एक अच्छी बात है। आगे चल के अगर ऐसे प्रॉफिट करती रही तो कंपनी प्राइस भी जो है वो इसी तरह से ग्रो हो जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ऐसे ही कंपनी प्रॉफिट करती रही तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत आगे जाएगी, फिर से 100 के लेवल। ये शेयर जो था कभी 100 के लेवल्स पे जो था ट्रेड करता था, तो उस लेवल को आने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी ऐसा मुझे लगता है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से चेक करें तो इसमें जो है ये शेयर जो था एक ही वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है 55 का रेजिस्टेंस इसने जो है बनाया हुआ है, नीचे की तरफ जो है 43 का इसने जो है सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बॉक्स में ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये एक कंपनी जैसे ही बॉक्स से बाहर निकलती है, बॉक्स से बाहर ऊपर की तरफ निकल सकती है, क्यों? क्योंकि इसका जो है फंडामेंटल स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख रहे, तो फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है। पब्लिक वोट की बात करें 74% लोग बाय की तरफ है, 15% सेल की तरफ है, होल्ड की तरफ 10% है, ज्यादा लोग बाय की तरफ है। उसकी वजह से जो है लोगों का मूड बाय की तरफ है, इसी के साथ फंडामेंटल भी बाय की तरफ ही है। उसकी वजह से जो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है, नीचे का सपोर्ट जो है 43 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 3 बार जो है इसे टच कर, 4 बार जो है इस लेवल से ये बाउंस बैक कर चुका है। तो जैसे ही इसमें जो ब्रेकआउट आता है, इसका फर्स्ट टारगेट जो हिट होगा वो 65 का होगा, ये शॉर्ट टर्म टारगेट मैं बता रहा हूँ। तो 65 का टारगेट जो है हमें 65 का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है जैसे ही इसमें से ब्रेकआउट आता है। तो अगर हम 29% का प्रॉफिट जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट आता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो अगले 1 साल में ये 100 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, तो अगर हम इसे थोड़े से बड़े चार्ट में देखें, 1 वीक चार्ट में अगर हम इसे देख सके, तो ये शेयर जो था लगभग कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। तो कैसे, तो इस लेवल से जो था 2018-19 में जो था ये शेयर इसी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था 65 के, वहां से जो भयानक गिरावट आई बहुत तेजी से, ये शेयर गिरा था 20 के लेवल से को भी इसने ब्रेक किया था, फिर से यहाँ पे बाउंस बैक आया, इस लेवल को इसने फिर से टच किया है 65 के लेवल से, फिर से यहाँ पे जो है नीचे जाके सपोर्ट लेके ये कप विथ हैंडल का पैटर्न बना रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, तो यहाँ से ये शेयर जो था नीचे गया, ये बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो इसको जो समय लग सकता है। तो यहाँ से ये शेयर जो था फिर से ऊपर आया, यहाँ पे इसने जो था कप बनाया और यहाँ से जो था इसने हैंडल बना, ये ऐसे जाके फिर से एक बार जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे कप विद हैंडल का पैटर्न जो है वो पूरा होता हुआ दिख जाएगा। तो ये इसने जो था कप बनाए, उसके बाद इसने जो है हैंडल बनाए, तो ये एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक शेयर मार्केट में इसे बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कप हुआ, यहाँ से जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये एक हैंडल देखने को मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे स्ट्रांग चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है जैसे ब्रेकआउट आता है। अभी तो इसमें जो है बाइंग चांस नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है जैसे ब्रेकआउट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा है तो 65 का टारगेट जैसे ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से लोग जो है इसके बाइंग के पोजिशन यहाँ पे बना सकते हैं जैसे 65 का टारगेट यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखेगा। 65 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, लॉन्ग टर्म के लिए हम जो है अगर हम कप विथ हैंडल पैटर्न को ही कंसीडर करें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है हम चेक कर लेते हैं। तो 200 अगर हम इसे टारगेट को जो है ऊपर की तरफ अगर रख के चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 110 रुपीज का टारगेट यहाँ पे अचीवेबल है। इसके हिसाब से जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से 110 रुपीज का टारगेट हमें अचीव हो सकता है। फंडामेंटलिस्ट कंपनी बाय की तरफ है, पब्लिक वोट बाय की तरफ है, टेक्निकल चार्ट जैसे ब्रेकआउट आता है बाय की तरफ ही हो जाएगा, अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे यह भी ट्रेड कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।